कांग्रेस आज 138 साल की हो गई है। अपने 139वें साल के स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस ने नागपुर में है तैयार हम महारैली का आयोजन किया है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। इस रैली से कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। इस आयोजन में पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं सबकी नजरें राहुल गांधी की एंट्री पर टिकी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के मौके पर आज पार्टी के सभी दिग्गज एक ही मंच पर मौजूद हैं। संघ के गढ़ नागपुर से कांग्रेस ने 2024 के चुनाव का शंखनाद कर दिया है। कांग्रेस की इस महारैली को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि संघ की जमीन पर वो बीजेपी को कड़ा जवाब देंगे। मौजूदा बीजेपी सरकार बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की आत्महत्या सहित तमाम मुद्दों को हल करने और लोगों को राहत देने में विफल रही है। कांग्रेस इस रैली के जरिए बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को कड़ा मैसेज देना चाहती है। यही वजह है कि रैली के लिए नागपुर को चुना गया है। इस रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटे हैं, लेकिन नजरें राहुल गांधी और खड़गे पर टिकी हैं कि ये दोनों नेता आज नागपुर से क्या संदेश देते हैं। लेकिन ये तो तय है कि इस रैली से महाराष्ट्र में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। वहीं इस रैली से कांग्रेस ने अपनी ताकत का एहसास बीजेपी को करा दिया है। इस महारैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले संबोधित करने वाले हैं। वहीं राहुल गांधी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आने वाले हैं। कांग्रेस की इस महारैली में करीब 10 लाख लोग जुटे हैं। महाराष्ट्र और उसके आसपास के राज्यों से 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता इस महासभा के लिए पहुंचे हैं। रैली में आम चुनाव की थीम और मुद्दों के ऐलान किए जाने की संभावना है। महारैली के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे महासचिवों और राज्य प्रभारियों के साथ बैठक भी करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस रैली को है तैयार हम नाम दिया गया है। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को रैली स्थल पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लोगों के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी केंद्र में सत्ता पर काबिज बीजेपी को हराने के लिए बदलाव का संदेश देगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।